यूपीएससी सीसेट 2021 में एक आसान सा सवाल आया, जिसमें बोला गया कि भाई दो क्लासेस हैं, क्लास ए और बी। क्लास ए में पढ़ते हैं 25 बच्चे और क्लास बी में पढ़ते हैं 30 बच्चे। अब क्लास ए का हाईएस्ट स्कोर है 21 और लोएस्ट स्कोर है 17। इसी तरीके से क्लास बी का हाईएस्ट स्कोर है 30 और लोएस्ट स्कोर है 22। बोला गया ए से बी में हम लोग चार बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि क्लास बी का एवरेज स्कोर डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। अब सोचो यहाँ से अगर टॉपर्स वालों को भी हमने भेज दिया तो भी इनके लोवेस्ट स्कोरर से तो कमी है, तो भी इसका तो डेफिनेटली एवरेज स्कोर घटेगा ही घटेगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब सोचो यहाँ से अगर हमने गदैया गोल को भेज दिया तब तो इनके एवरेज स्कोर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हमने इनके टॉपर्स को भेज दिया तब तो इनके एवरेज स्कोर घट जाएंगे, तो पता ही नहीं कुछ हो क्या होगा। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो वेग है, गलत है। तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल।